पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज को, अपने हमारे कमांडोज, हमारे मुसल्ला अफवाज, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो हर मुश्किल घड़ी के अंदर अपने मुल्क की और अपने मुल्क के लोगों की, मुल्क के लोगों के बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनकी जानों की हिफाजत करते हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल के। चाहे जलजला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे कोई इंतहाई कोई गंभीर किस्म की आफत हो, ये हमारे फौजी भाई हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर नहीं बल्कि हमारे से आगे खड़े होते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। आज हम उनको सलूट करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। जितनी भी इंतजामिया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, हमारे गवर्नर साहब जिन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और हेलीकॉप्टर भिजवाए और मुतालका जगहों पर इत्तलात की। हम समझते हैं कि उसमें उनका, कमिश्नर साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का और जितने भी इंतजामिया के लोग हैं उन्होंने अपना भरपूर तआवुन किया। अब हम आते हैं उन हीरोज की तरफ जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और ये बच्चे, ये बहादुर बच्चे, दलेर बच्चे, ये 8 लोग 12 घंटे से ज्यादा, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 16 घंटे मैसूर रहे और बड़ी दलेरी के साथ उसमें अपने आप को, उन्होंने अपने आप को रखा और मुश्किल का मुकाबला किया। और उसके बाद उनको बचाने के लिए जो ये 13 लोग जिनका जिक्र कर रहे हैं, इन 13 लोगों ने उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन डाली। ये हादसा इसलिए पेश आया कि यहाँ पर रोड नहीं थी, ये हादसा इसलिए पेश आया कि यहाँ पे पुल नहीं था, ये हादसा इसलिए पेश आया कि यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरत थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो सहूलियात यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। हम आज ऐलान करते हैं कि अपनी मदद आपके तहत इस मसले को फौरी तौर पे ख़त्म करने की बुनियाद डालेंगे। इस वक्त फौरी तौर पे ये रोड और बाकी चीज़ बनाने की शुरुआत के लिए ये 5 लाख रुपया मैं अभी कमेटी के हवाले करता हूँ। ये बच्चे जो टेंशन में रहे और जो लोग जिन्होंने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया उनके लिए भी 5 लाख से ज़्यादा की रकम इन लिफाफों में मौजूद है जो ये आपस में तकसीम करें।